बहुतही लंबा सफर था भाई। Come on guys, मुझको पता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो। This boy is so बेशरम, he's not talking to us, he's not telling us where is he going. But I'm sure तुम लोग ने thumbnail में से अब तक डीकोड कर ही लिया होगा। बहुत सारे प्रिपरेशंस करने हैं, बट वो सब करने से पहले आई नो यू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ओए आई ट्रैकिंग कैसे चालू हो गया भाई? तो मैं अभी फट से निकलता हूँ क्योंकि हम लोग को चिप्स लेना है, फिर इसके घर से कुछ कुछ सामान लेना है और फिर हमको निकलना है। ठीक है, आया। बेसिकली मैं ताज में आया हूँ, यहाँ पर रिसेप्शन पे कोई नहीं है और मेरे को कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है पूरे होटल में, कोई सिक्योरिटी रीज़न के वजह से। क्या पता हो सकता है, शायद कल का व्लॉग देख लिया मेरा वाला भाई शॉप। मतलब यहाँ पर शूट करना वैसे अलाउड है नहीं, कैमरा से तुम फ़ोन से शूट कर सकते हो, तो मैं ब्यूटी शॉट वापस से नीचे आके ले लूँगा, ट्राई करूँगा, क्योंकि हमको चिप्स भी स्नीक इन करना है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड फूड भी अलाउड नहीं है। नहीं, मैंने तो नो स्मोकिंग रूम के लिए पूछा था। सीधा रूम टूर भाई लोग, तुम्हारे साथ हम भी देखेंगे। ओह दिस इज द वॉशरूम गाइस, सो ब्यूटीफुल। जब उसने बोला बाथटब है, मुझको लगा शायद कमोड है जिसमें हमको ये बैठना पड़ेगा। वाओ लग्जरी, लुक एट द व्यू गाइस। पूल वाला नहीं मिला बट इट इज स्टिल लग्जरी गाइस। आगे का वो तुमको करना पड़ेगा, मैं ट्राईपॉड हूँ। लग्जरी गाइस, लग्जरी, हाउ डू यू लाइक द लग्जरी? अरे मेरे को ये वो मिरर नहीं है, फील है बॉस करने वाला। आज अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराता है। बट मेरे लिए ये क्यों नहीं है? ड्राई फ्रूट्स है, खाना नहीं। क्यों नहीं खाना? बस कोई आ गया। अच्छा ये ऐसे बन गया था। गोपाल बाल नहीं, अच्छा उस तरफ से खुलता है। Have a nice day पे वाले को YouTube बोल के आया। मेरे को Have a nice day सुनाई दिया। नहीं शायद से तुम, मैं और लगेज वाला वाले तीनों साथ में रहेंगे, भैया भाभी और अतिथि जैसा। तो वो हो गया, जब कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो तुम सामने से सेम टू यू बोल दो। पेन ले, ड्राई फ्रूट तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ना। हाँ तो तुम खाने को क्यों मना किया? मजा आया। जाम खाऊंगा, दिमाग बढ़ाऊंगा। इतना कैसा है भाई? वेरी लग्जरी। पिस्ता बेडम नहीं खाएगा? बेडम नहीं खा पसंद। गाइस तुम लोगों को बताया अभी हमारे साथ क्या हुआ? ये खोल के ऐसे चेक कर रहा था प्राइवेट बार, तो मेरे को लगा प्राइवेट बार का तो होगा ही, बट फिर ये एक एक बॉटल 550 का है। कि इस पे साफ लिखा हुआ है कि ये 230 का है और हमने तीनों का तीनों खोल दिया। मेरे हिसाब से अभी हम दोनों को और बादाम खाना चाहिए, इसलिए ताकि दिमाग आए और हम कुछ भी चीज हाथ लगाने से पहले यहाँ पर खोले। देखना पड़ेगा, बेड के नीचे भी बिल नहीं रखा हुआ है ना, सोने का अलग पैसा लगेगा। ये मैं अंकल का आलमंड स्टोरी करता हूँ ना, उसका एक साथ पे बैक मिला। पानी समझ के पीने वाला था ऐसा। ये बार बार ऐसे बंद कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आएगा। ऐसा दरवाजा बना दे तभी 550 रुपए, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हमसे।
आ जाओ अभी हम दोनों भी घोड़ा भाई जैसा डॉल्फिन डाइव करेंगे। बिल्कुल फन्नी आया मोमेंट, बिल्कुल फन्नी। उठ उठ अभी चल। किधर? कहीं भी चल। चले लेके आ जाए। एक क्विक रिव्यू आज के दिन का। तो आज का दिन ऐसा था कि हम होटल में आए, हमने रूम देखा, ये डीलक्स रूम है किंग बेड के साथ। और मेरे को पूल साइड वाला मैंने किया था, बट पता नहीं मेरे को पूल साइड वाला तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला उसका मैं रीजन वो लोग को पूछा भी नहीं, मतलब ये सब तो उनका लुक, मतलब सब ऐसा बुकिंग में ये करके रखा था। दूसरी बात, हम रूम में रूम मतलब देखा जाए तो इट्स नॉट अबाउट बींग बड़ा बड़ा, मतलब हम बड़ा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इससे बहुत ज्यादा बेटर रूम है। ताज से भी मतलब एक्सट्रीमली ज्यादा बेटर रूम है, और वो मैंने कमेंट में भी पढ़ा, बहुत लोगों ने बोला कि ताज में जाना मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, खाली नाम का पैसा। बट फिर भी मेरे को एक्सपीरियंस लेने का था, बट मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बुरा होगा। हाँ। तो मतलब लेजिट ये रूम और कैपिटल ओ ओयो का सेम ही है, खाली सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस भी इतना कुछ अच्छा था नहीं, मतलब काउंटर पे लोग नहीं थे दोनों टाइम। हम लोग जब डिनर के लिए गए तब भी वहां पे नहीं थे, हम लोग उन्होंने जब चेक इन किया उस टाइम पर वैले नहीं आया, हमारे बैग्स लेने कोई नहीं आया, और वहां पे सिक्योरिटी के वहां पर कोई नहीं था, और हम रिसेप्शन पे चेक इन करने गए वहां पे कोई नहीं था, हमें खुद से ढूंढना पड़ा कि लोग है किधर, कोई एस्कॉर्ट करने को भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो मतलब फाइव स्टार अभी पैसे लेते सर्विस के लिए, अगर किसी भी गेस्ट को अगर ऐसा करना पड़ रहा ठीक है, एक चीज में ये हुआ ठीक है, बट मतलब ऑलमोस्ट हमारा सभी एक्सपीरियंस वैसा रहा। तो हम फिर रूम में सामान वामान रख के फिर हम बाहर चले गए, फिर हम टाको बेल खाए वहां पर जाके क्योंकि बहुत भूख लग रहा था हम लोग को, और फिर हमने डिनर वाला पैकेज लिया था जान के, क्योंकि हमको देखना था कि डिनर का पैकेज कैसा होता है। ताज का तो बहुत ऐसा नाम है ऐसा सुना है, तो वही खाना वाना बहुत अच्छा है ताज का। हाँ, बट फिर हम गए तो ऐसा मतलब वैरायटीज बहुत सारे केक है, बहुत सारा खाने का ये था, बट फिर भी मतलब बोल रहा था ना ऐसा बहुत ही मतलब बुफे का खाना देख के फाइव स्टार होटल का हम लोग मतलब ओवरवेलम हो जाते, ये बहुत ही अंडरवेलमिंग था। एग्जैक्टली है ना, मतलब तुम बोल रहे हैं कि ज्यादा वैरायटी है, बट अगर अभी सोचो तो सिर्फ दो ही टाइप का सब्जी था, एक चिकन और एक आलू, और बाकी सब पुलाव वगैरह था, मतलब ओवरऑल। और टेस्ट भी बहुत गंदा था, ये तो बोला ही नहीं। वही तो, वही मैं इसको ये बोल रहा था, मैंने बोला टेस्ट अच्छा होने का बात नहीं है, बात ये है कि इससे भी अच्छा तुम बनाते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बेस्ट बनाते हो, बेस्ट कुक है या तुम मतलब तुम तो अच्छा ही कुक है, उसका बात नहीं है, तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है। दूसरी बात तो तुम बहुत ही अंडर प्रेप में बनाता है, मतलब तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते, तुम्हारे पास उतना नॉलेज नहीं है, मतलब जितने भी कुक है या जितने भी बनाने वाले हैं वो लोग प्रोफेशनल्स है, ये लोग का प्रोफेशन है, ये इसका प्रोफेशन नहीं है, बट फिर भी ये ज्यादा अच्छा बनता है, समझ में आ रहा है इसका। तो वो एक चीज ऐसा थोड़ा सा खटकता है, बट जेन्युइनली सारा ही खाना एक बहुत ही गंदा था, वो गॉड मेरे को याद आ रहा है अभी। सिर्फ मुझे लास्ट में एक ब्राउनी मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डार्क चॉकलेट वाला, वो अच्छा था बस। अभी कल ब्रेकफास्ट है, देखते हैं। अभी मैंने एक व्लॉग एडिट किया, मतलब मेरा प्लान था ऐसा कि मैं ये व्लॉग जब भी यहाँ पर हूँ तभी डाल दूँ, बट फिर इसने बोला कि वैसा नहीं करना चाहिए लाइव लोकेशन वाला, तो मैंने एडिट कर लिया। और तुम लोगों तुम्हारे भाई का कल का व्लॉग देखना चाहिए, क्योंकि रात को चिल वाला टाइम छोड़ के मैंने तुम्हारे लिए एडिट किया, तो उतना अप्रिसिएशन बनता है। और लास्ट मोमेंट पे मतलब ये तो बोल रही थी कि ये तो बोल रही थी कि मत ही डाल, बट मैंने ऐसा प्लान किया हुआ है कि मैं एक भी दिन व्लॉग मिस नहीं करूंगा, मतलब अपने साइड से। इमरजेंसी में हो गया तो ठीक है, तो मैंने बैठ के एक घंटे में कर लिया, अभी और करना है, कल सुबह को उठ के वापस करूंगा। बट वही है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा देखा जाए तो मतलब ठीक नहीं था, मतलब नहीं मतलब मैं तुम लोग को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि ताज में आके रहो पैसा डालो, क्योंकि इससे भी ज्यादा पे किया हुआ है। ये तो हम लोग को ऑफ में मिल गया, बहुत ही ज्यादा ऑफ पे मिल गया, बट फिर भी मतलब उतना भी वर्थ नहीं था ऐसा लग रहा है इसका। अभी देखते कल का दिन भी है, नीचे जाके देखते कंटेंट शूट करेंगे, हम लोग तो अपना काम निकाल के ले लेंगे, हमारे तो हमारा काम रोकेंगे नहीं, बट डेफिनेटली तुम लोग को रेकमेंड नहीं करेंगे ताज में रहना। इससे अगर हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमको रहना है दिल्ली में कहीं पर, तो रोजियट है सबसे पहला, दूसरा है हयात रीजेंसी, ये दो दिल्ली में बेस्ट है मेरे हिसाब से हम लोग जितना रहे। ताज पैलेस मतलब बोलेगा तो
इतना नाम होने के बाद कैसे, मतलब मुझे समझता है किस चीज का पैसा है, क्योंकि इधर के कॉर्नर्स वगैरह काफी सुंदर है और मतलब ऐसा थोड़ा टूरिस्ट वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब हम लोग सर्विस का पे कर रहे हैं राइट, और अगर वही चीज नहीं है तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, और रूम भी मतलब छोटा है काफी, मतलब एकदम कंजेस्टेड है हाँ, सब कुछ, मतलब इधर पैर नीचे रखा और बाथरूम, इधर पैर नीचे रखा खिड़की, हाँ ऐसे, बट एक चीज है कि हमने सनसेट बहुत ज्यादा अच्छा देखा हाँ। बट हम आते ही इतने नींद में थे, मैं तो मतलब पता नहीं मेरा इतना सर दुख रहा था, मैं आते ही सो गया, मैं कितना 2-3 घंटा सोया ना बहुत सोया मैं कल सुबह को देखते हैं हम लोग 5 बजे जॉगिंग तो नहीं उठेंगे वो एडे की तरह, बट उसके बारे में बात करना है, बट कल बात करूंगा, अभी हम लोग को मूवी देखना है, कौन सा वो मैं तुम लोग के साथ कल शेयर करूंगा, चलो के बाद हम 3 बजे सोए, सुबह को मर के उठे क्योंकि ब्रेकफास्ट करना ही था, और ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं तो रिव्यू कैसे देंगे, बट मैं इतना नींद में उठा हूँ मेरे को पता ही नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ऑल स्टाइल वालों ने ये स्वेटशर्ट भेजा मेरे को और एक टी शर्ट भेजा है, क्योंकि मेरा स्वेटशर्ट इसने ले लिया, और कल जो मैं स्वेटशर्ट लेके आया था थोड़ा सा छोटा हो गया, मेरे को लगता है श्रिंक हो गया वो, तो ये वाला अच्छा साइज है, एकदम राइट टाइम पे उनका पैकेज आया और मैं लेके आ गया। मैं सोच रहा था सिर्फ टी शर्ट पहन के नीचे जाऊं क्योंकि थोड़ा सा गर्मी चालू हो गया यहाँ पर, और अंदर ही बैठना है मुझको लगा, बट हम नीचे गए, हमको बोला कि अंदर तो पूरा भरा हुआ है बाहर चलेगा क्या, और मैं सोच रहा था कि अभी मैं वेट करूंगा आधा घंटा, फिर मेरे को ऊपर जाके एडिट भी करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट चेंजेस मैंने जैसे कल रात को किए, होटल का व्लॉग चेंज करके मैं दूसरा व्लॉग करने वाला था, लकीली मेरे पास अच्छा एक कॉन्टेंट था तो मैंने कल वो डाल दिया रात को फटफट में एडिट करके, मैंने बोला कि चलो बाहर बैठ लेते हैं, बाहर गया तो इतना ठंडी, अरे मस्ती, सॉक्स पहन के नहीं गया था मैं, अच्छा वो ये स्वेटशर्ट पहन के गया था, थोड़ा सा ये था, बट खाने का मूड ही नहीं हो रहा था, और खाना मतलब एज एक्सपेक्टेड, मेरे को पता था कि इतना अच्छा नहीं होगा, नहीं था, पैनकेक खाया, थोड़े से क्रोसो, ब्रेड तो मतलब अच्छा ही होता है हर जगह का, ब्रेड अच्छा था, और क्या खाया हमने, मफिन्स, हाँ वही ब्रेड आइटम में आ गया, और पैनकेक खाया ना, पैनकेक खाया, पैनकेक मतलब अजीब सा बना हुआ, एक चीज बहुत अच्छा था जो मतलब बहुत सारे होटल्स में नहीं मिलता है, वो है फ्रेश अपना ऑरेंज जूस, है ना, मतलब एकदम लिटरली फ्रेश था, ऐसा पैकेज्ड ड्रिंक नहीं था, तो वो बहुत रेयर है, तो वो एक चीज अच्छा है। बस उसके बाद वापिस आया और 1 घंटा वापिस एडिट किया फाइनल टच देने के लिए, क्योंकि आजकल तुम्हारा भाई मेहनत करता है, सोच समझ के सब कुछ डालता है। अगर तुम लोग ने नहीं देखा है कल का वीडियो, और कल के वीडियो में तो हम दोनों को भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा सहानुभूति सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि तो तुमको जाके पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा तो जाओ 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 ना, और क्या अभी बज रहे हैं कितना, 2:02 बज के गए, और हमने सोचा कि अभी हमको उड़ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्टेंट शूट नहा वहा के आता हूं मैं, है ना, नीचे जाके मुझे दोपहर घूमना भी तो है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, चलो आया। तो ये चेंज करो यार इनका, ये क्या नखर है, अच्छा इधर से तो इधर क्यों हैंडल लिया होगा, वो पसंद है, फिर द सीरीज इज फॉर यू गाइस, क्योंकि हमको डरने में बड़ा मजा आता है चलो देख के आते हैं क्या रट्टू तोता कौन है, रट्टू तोता टू होगा, टू है, टू होगा, टू है,
तो आज लास्ट दिन है भाई लोग, तो अभी ब्रेकफास्ट करके जस्ट आ रहे हैं। कल हमने बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट शूट किया यार, मतलब इतना अच्छा लाइट्स आ रहा था, इतना अच्छा मतलब सेटअप पूरा लग रहा था नेचुरल लाइट की वजह से, क्योंकि हम लोग जस्ट सनसेट के पास में ही है तो सन यहीं पर सेट हो रहा था। तो तुम लोग ऐसे अभी देख रहे हो यहाँ पर टाइम लैप्स में भी देख रहे हो कितना अच्छा प्रिटी लग रहा है कि नहीं। हमने हमारा कंटेंट निकाल लिया, हम बहुत खुश हैं। मैं खाली थोड़ा सा अनहैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपने कैमरा का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मतलब भले ही ये होटल टॉप क्लास नहीं है बट फिर भी मैं मतलब अपने स्किल्स को टॉप क्लास दिखाना चाहता था, है ना, अपना स्किल्स टेस्ट करना चाहता था, बट कैमरा यूज करने को नहीं मिला मेरे को होटल में, तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ। क्योंकि तुम लोग अगर ये क्लिप देखोगे एकदम लग रहा है कि नहीं मूवी वाला सीन, स्लो मोशन हमारा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कल का लाइट्स। विश कि मेरे को कैमरा यूज करने का परमिशन होता। हमने हमारा कंटेंट तो निकाल लिया, हम सेटिस्फाई है हमारे कंटेंट से, बट होटल से हम सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। लेकिन नहीं, सबसे पहली बात तो वो व्लॉगर जिसका भी हम देख के आए थे वो एकदम स्टूपिड है। मेरे को लगा कि वो बाथटब में जब वो ये करके डाल रहा था तो वो बबल बात है, बट अपेरेंटली वो हेयर क्लेंजर और मतलब शैम्पू कंडीशनर और बाथ सोप ही डाल रहा था। तो मतलब कितना स्टूपिड है ये बताना चाहिए ना। तो जो लोग बाहर से आ रहे जिनको एक्चुअल में शौक है, जैसे मैं बाथ सॉल्ट लेके गया था एक होटल में, तो हम कैरी कर लेते। दूसरी बात कि उसने जो काजू पिस्ता बताया उसमें उसने मेंशन नहीं किया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि अगर वो होटल रिव्यू करता है उसका काम है तो उसको सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने भी कर लिया, मेरी भी गलती है, बट कोई भी एक इंसान अगर वीडियो देख के, जैसे मैं उसका वीडियो देख के उसने बताया ये सब है तो मैं यूज कर लिया, अगर वो बता देता तो मैं सावधान रहता शायद से, या मैं खुद से आता। मैं ऑलरेडी पूरा रूम चेक करने के इससे आता, बट मैंने उसका सिर्फ व्लॉग देखा है और मैं आया तो मैं थोड़ा सा मतलब ओवरवेलम्ड इसमें आया, एक ही बार यूज किया मैंने। तो वही है कि मतलब किसी भी यूट्यूबर का काम है कि तुम जो भी चीज अपने वीडियो में बता रहे हो उसका फुल ट्रांसपेरेंसी बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ तुम लोग का वीडियो रेफरेंस से यहाँ पर आके वही सेम चीज करने आते, तो ये उसका एक फक्ड अप चीज है। बाकी होटल तो मतलब हम लोग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे, हमने ट्राई किया। तो कल का पास्ता खाली अच्छा था थोड़ा सा, मतलब मैनेजेबल था। आज का भी नाश्ता मतलब हम लोग ने फुल एंजॉय किया ही नहीं हमारा, ये हम लोग सिर्फ एक चीज के लिए एंजॉय किए, वो तुम लोगों को पता है, मतलब तुम्हारे भाई ने पैसा डाल दिया। और एक्सीडेंट इस वे में हुआ कि जैसे मैंने वीडियो डाला उसके बाद मैं चेक कर रहा था क्या रेट्स है कैसा है ताज का, मेरा फ्यूचर में मतलब फेब में प्लान था करने का, बट फिर मेरा कार्ड डिटेल्स वो ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था ऐप पे, तो मैंने देखने के लिए कितना मेरे को ऑफ मिलेगा करने के लिए मैंने स्लाइड किया और देखा कि और बुकिंग हैव बीन कंफर्म्ड करके लिख के आया और दिस इज नॉन रिफंडेबल बोल दिया। अब सीन ऐसा है कि कोई कोई ऐप में सिर्फ सीवीवी यूज करके ही डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं, तो मेरे को लगा मेरे को पता था कि प्रॉपर्टी में ये है, बट नॉन रिफंडेबल लिख के आने का क्या मतलब था। ऐसा हो सकता था कि बाद में मेरे इससे अगर मैं जाता ही नहीं तो लोग पैसे काट लेते या कुछ भी होता, मेरे को थोड़ी ना पता है। मैं तो फर्स्ट टाइम ताज में, तो इसके लिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं अभी आ गया, तो एक्सीडेंट अच्छा था। मतलब आगे जाके मैं और एक्सपेक्टेशन से ये आता, उससे अच्छा अभी हो गया। तो मेरे को पता है कि मैं ताज होटल नहीं बुक करने वाला और ना किसी को रेकमेंड करने वाला, तुम लोग ने भी देख लिया है कि नहीं। बहुत पैसा है और जगह कम है तो आ सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, बट हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था, है कि नहीं। और बाकी तुम्हारे भाई ने सब कुछ कर लिया जो भी चीज करने का था। तुम लोगों को पता है आज के लिए अपन व्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मेरे को एडिट करके नहा के फिर तुरंत आज चेकआउट करने का। जिम भी मैंने चेक नहीं किया इनका, क्योंकि मैं बोला ना मैं अंडर प्रिपेयर्ड आया था एक तो, और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था होटल में आके। और भी बहुत सारे होटल्स है और भी बहुत सारा जगह है, अपन एक्सप्लोर करेंगे उसको। आई पुट अ वर्डिक्ट दैट मिस्टर गोड़ा और मिस्टर लग्जरी स्टूपिड। बाकी तुम लोगों को पता है तुम लोगों क्या करना है, तुम लोगों करने का कमेंट, क्योंकि कमेंट कम होते जा रहे और वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा। तुमको क्यों पसंद आ रहा है मुझको पता नहीं है, ठीक है। बाकी अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है, बाय, पीस।